कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट गेट, रेलवे बस स्टेशन सहित महानगर के प्रमुख चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता को कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा रही है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ 3 मूल मंत्र से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है। डीएम ने कहा कि मास्क अवश्य लगाएं, हाथ को बार बार धुलें तथा 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। डीएम ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोरोना संक्रमण को हल्के में ना लें, ये कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और कोरोना वैश्विक महामारी से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, और कई में शुरू में ये लक्षण दिखते ही नहीं, इसीलिए सामाजिक दूरी बनाकर तैयार रहिए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। याद रखें, सही जानकारी और उसका इस्तेमाल हम सबको सुरक्षित कर सकता है। इस संदेश को सुनने के बाद क्या आप भी सामाजिक दूरी बनाएंगे और सबको प्रेरित करेंगे बिना एक दूसरे के साथ भेदभाव किए? कोरोना वायरस नाम के एक वायरस की वजह से बहुत हलचल मच रही है, ये लोगों को बहुत बीमार बना रहा है। पर घबराओ मत, हमारी रक्षा के लिए कुछ उपाय हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है? पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वायरस कैसे फैलता है। जब कोई बीमार इंसान की आंख, नाक और मुंह से छींटे किसी भी चीज, स्पर्श या किसी और इंसान पर पड़ती है, और जब कोई दूसरा इंसान वही दूषित चीज, स्पर्श या इंसान को छूकर अपने या किसी और के चेहरे को छूता है, तब ये वायरस फैलता है। अपने आप को इस वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आप इन सावधानियों का उपयोग कर सकते हैं। अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड के लिए धोते रहिए, और अगर किसी बीमार इंसान से आपका सामना हो तो तुरंत हाथ धो लीजिए। अगर आपको कोई बीमार इंसान दिखे तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, उन्हें मत छूइए। अगर कोई छींक रहा है या कोई खांस रहा है तो उन्हें अपने मुंह को किसी टिश्यू, हैंडकरचीफ या मास्क से ढकने को बोलिए। हाथ धोए बिना अपने जिंदे को मत छूइए। भीड़ भरी जगहों से दूर रहिए। अगर आप खुद बीमार है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। घबराइए मत दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। देखिए, कोविड के लिए कोई इलाज हम लोग के पास नहीं है, ये बचाव ही इसके इलाज है। मैं सबका आग्रह करता हूँ, आप मास्क पहन के 2 गज का दूरी बना के और घर के अंदर ही रहेंगे तब ये जंग हम जीत पाएंगे। उसी के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पे कहाँ ज़्यादा भीड़ इलाका होता है, जैसे कलेक्ट्रेट है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बाजार है, हर जगह पब्लिक अनाउंसमेंट हम करा रहे हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, लगातार बसते रहेगा। उसके अलावा जो विभिन्न लोग हैं, वैसे व्यापार मंडल है, एनजीओ, बाकी लोग से भी सहयोग से हम ये अभियान के तौर से चलाने चाहते हैं, ताकि ये जो जागरूक व्यक्ति है वो अपने जान भी बचा लेगा, अपने परिवार का जान भी बचा लेता है। पर जो व्यक्ति जाने अनजाने में छोटी भी बड़ा गलती भी कर लेता है, मान लीजिए मास्क नहीं पहना है, नहीं तो लापरवाही से नीचे खींच के पहना है, ढंग से नहीं पहना है, हाथ नहीं धोता है और वो 2 गज का दूरी नहीं बनाता है, वो चपेट में आ जाता है। फिर उसके बाद खुद भी परेशान हो जाता है, फिर परिवार लोग भी परेशान हो जाते हैं, फिर कहीं कहीं हमें जान बचाने में भी मुश्किल हो जाता है। मैं सबको निवेदन करता हूँ, ये अकेले प्रशासन का लड़ाई नहीं है, तब तक सभी आदमी उतर के ये जागरूकता अभियान में शामिल नहीं होंगे बहुत मुश्किल होगा, आपको भी हमें बचाना मुश्किल होगा, फिर आपका रिश्तेदार, परिवार सदस्य, किसी को भी बचाना मुश्किल होगा। इसलिए तो आप मान लें, जो इन्फेक्ट होता है वो भी हम लोग का घर का ही सदस्य है, और जो होने वाले हैं वो भी हम लोग का घर के सदस्य है, इसी के रूप में मनाना होगा। ये भाईचारा के साथ आप इस अभियान में पार्टिसिपेट करें। आप भी जो आपका कहाँ कहाँ प्रचार कर सकते हैं, अपने घर पे, काम करने के वाले जगह पे, जो जाने वक्त हो कहीं लापरवाह आपके सामने होता तो ठोकिए, ज़रूर बताइए भाई तो बिना मास्क मत घूमो, ताकि मास्क ही एक बचाव है। बहुत सारे देश है केवल मास्क पहनने से अपने नागरिक को बचाया, हम लोग कितने बार कहने के बाद भी अब लापरवाह हो रहा है। हो सकता है ये थोड़ा पहनने में असुविधा हो, बट एक आदत बना लीजिए, कपड़ा कैसे पहनते हैं वैसे इसको पहनने की आदत डाल दीजिए, तब तक ये कोविड का वैक्सीन ना आ जाए, तब तक कोई इलाज ना हो जाए, तब तक ये पहने रहिएगा, ताकि ये आपका शरीर के एक अंग रूप से ये हो जाए,
तब आप बचा पाएंगे। आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये तीन मूल मंत्र कतई ना भूल जाएं, मास्क पहने, हाथ बार बार धो लें और 2 गज का दूरी बनाए रहें।